नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर सत्यम कश्यप। हिनेमन होम्यो हॉल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ हीट रैश के बारे में, जिसको आम भाषा में हम घमोरियाँ बोलते हैं। इसकी बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करूँगा और क्या इसका कारण होता है इसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि हीट रैश होते क्या हैं। गर्मियों के मौसम में जनरली जब छोटे छोटे दाने निकल आते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है तो वो हीट रैश होते हैं। इसके मेन कारण की तरफ बढ़े तो जो हमारी स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, यानी कि जो पसीने की ग्रंथियाँ होती हैं, वो क्लॉग हो जाती हैं, यानी कि वो ब्लॉक हो जाती हैं और उसके नीचे से पसीना निकलता रहता है। उसकी वजह से बाहरी सतह पर इस तरीके के लक्षण स्किन पर दिखाई देते हैं। इसमें सिम्टम्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले स्किन की सूजन देखने को मिलेगी, इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगी, लाल लाल हो जाएगी वहाँ पर त्वचा, यानी कि रेडनेस देखने को मिलेगी, उसमें खुजली और जलन भी देखने को मिलेगी और कभी कभी उसमें दर्द भी हो सकता है। मोस्टली जो पेशेंट्स में देखने को मिलता है वो ओबीस पेशेंट्स जो होते हैं, यानी कि जिनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उनमें देखने को मिलता है, या फिर उन पेशेंट में कंडीशन देखने को मिलती है जिनमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है। बच्चों में भी जनरली घमोरियों की कंडीशन जो होती है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि उनकी जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो स्टिल जो है डेवलप हो रही होती हैं, इस कारण से उनमें ज़्यादातर देखने को मिलती है। बात करते हैं इसकी बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति एक जैसे एक समान लक्षण वाले जब सिम्टम्स मैच हो जाते हैं तब होम्योपैथिक दवा बहुत ही अच्छे तरीके से असर करती है। तो जिस मेडिसिन से आपके अच्छे लक्षण मैच हो रहे हैं वो आप ले सकते हैं। तीन मेडिसिन यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। पहली होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानिए तो वो है एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका बहुत ही अच्छी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है अगर किसी को हीट रैश की कंडीशन देखने को मिलती है। हीट रैश में अगर बर्निंग यानी कि जलन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, स्टिंगिंग पेन यानी कि चुभने वाला दर्द देखने को मिल रहा है, और जब वाटर एक्सपोजर से यानी कि अगर आप उस पर पानी डाल रहे हैं उससे आराम मिल रहा है, तब एपिस मेलिफिका का इस्तेमाल किया जा सकता है। 30 पोटेंसी में इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह, दोपहर और शाम में अगर लिक्विड में ले रहे हैं तो 2 बूंद इसकी जीभ पर दिन में 3 बार ली जा सकती हैं। दूसरी बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जाने तो वो है सल्फर होम्योपैथिक मेडिसिन। सल्फर भी हीट रैश में बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है, खास करके जब बहुत ज़्यादा खुजली मिल रही हो और वो खुजली स्क्रैचिंग से यानी कि जब आप खुजलाते हैं उससे उसमें रिलीफ मिले और रात के समय में खुजली बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, तब सल्फर होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। 200 पोटेंसी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 बूंद सुबह में और 2 बूंद शाम में इसकी जीभ पर ली जा सकती हैं। तीसरी बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जाने तो वो है नेट्रम्यूर होम्योपैथिक मेडिसिन। ये भी हीट रैश में बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है और इसका पिक्यूलर सिम्टम ये है कि एक्सर्शन से यानी कि किसी भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी आप कर रहे हैं या फिर शारीरिक श्रम कर रहे हैं उसके बाद जब सिम्टम्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं हीट रैश के, तब इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सन एक्सपोजर में यानी कि आप धूप में निकल रहे हैं तब सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, उसमें ज़्यादा कंडीशन ये वर्स हो जा रही है, और ओपन एरिया में जाने से यानी कि खुली हवा में जाने से आराम मिल रहा है पेशेंट को, तब नेट्रम्यूर होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। 200 पोटेंसी में 2 बूंद इसकी सुबह और 2 बूंद इसकी शाम में ली जा सकती हैं। तो मैंने 3 होम्योपैथिक दवा आपको बताई जिससे आपके सबसे ज़्यादा लक्षण मैच हो रहे हैं, आप वो ले सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर आप उससे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है, वहाँ पर जाकर आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो कर दीजिए सब्सक्राइब। जल्द मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। थैंक यू।